जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धांसू जीके जीएस ट्रिक में। मैं संदीप शर्मा। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए स्पेशल जीके जीएस का क्यूज लेकर आया हूं। अगर आप इस क्यूज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर डेली क्यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी से क्वेश्चन। चलिए आप लोग बताइए, ग्रुप ए से पहला क्वेश्चन होगा, टी मापन किसका मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। टी मापन का प्रयोग, टी स्केल का प्रयोग किसके लिए मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, टी स्केल। अच्छा, ऑप्शन दीजिएगा। कौन शक्ति है, किसकी शक्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है टी मापन का। जैसे तूफान हो गया, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, इस तरह। हाँ, टी स्केल का प्रयोग। टी स्केल का प्रयोग ले लीजिए, भूकंप ना, चक्रवात। ठीक है, राइट आंसर है चक्रवात मापने के लिए प्रयोग किया जाता है टी स्केल का। चलिए आप लोग बताइएगा ग्रुप बी से क्वेश्चन होगा, बताइएगा ऐसे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं। ऐसे घने धूसरी बादल को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं। जैसे कौन एथी है, मेघ है, कौन वेग मेघ। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा कराते हैं। पास है, वर्षा स्थलीय में, वर्षा स्थलीय में यही कराते हैं। आप लोग बताइएगा रेशेदार दिखने वाले मेघ को क्या कहते हैं, रेशेदार दिखने वाले मेघ को। पास है, बोलिए कौन सा मेघ कहा जाता है रेशेदार दिखने वाले मेघ को। पच्छाप मेघ। ठीक है, पच्छाप मेघ कहा जाता है। बताइए क्रानहर किस देश में स्थित है। क्रानहर, क्रानहर किस देश में स्थित है। ना, पास है, बोलिए क्रानहर किस देश में स्थित है। थाईलैंड में। ठीक है, क्रानहर थाईलैंड में है। चलिए आप लोग बताइएगा पनामा जल डमरू मध के आर पर नहरे खोदने का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति ने रखा था। पनामा जल डमरू मध के आर पर नहर खोदने का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति ने रखा। ना, पास है, बोलिए। ये हम बोल, ठीक है, हम बोल सबसे पहले रखा था। बताएगा सुपीरियर को हिरन से जोड़ता है कौन सा नहर। सुपीरियर को हिरन से जोड़ता है कौन सा नहर। पास है, सुपीरियर को हिरन को हिरन से जोड़ता है कौन सा नहर। सुपीरियर को हिरन से, सुनहर। ठीक है, सुनहर जोड़ता है। चलिए आप लोग बताइएगा यूरोपीय महाद्वीप का सर्वोत्तम पर्वत शिखर। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे पहला सर्वोत्तम ऊंचा शिखर, पर्वत शिखर। हाँ, यूरोपीय महाद्वीप। हाँ, यूरोप का यूरोप का महाद्वीप का सर्वोत्तम ऊंचा शिखर। पास है, बोलिए। माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस है। चलिए आप लोग बताइएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वोत्तम पर्वत शिखर। उत्तरी महाद्वीप, हाँ, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप के सर्वोत्तम पर्वत शिखर। पास है, बोलिए। कहाँ का। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप का सर्वोत्तम पर्वत शिखर। ऑक्सिनी का है आपका रॉकी, एनए का है आपका एंडीज, यही में से कुछ है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी का है, माउंट मैकिलने। ठीक है, माउंट मैकिलने। चलिए, हाँ, आप लोग को बताइएगा विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या। महाद्वीपों की सात गो। ठीक है, राइट आंसर है सात गो। चलिए आप लोग बताइएगा वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। हाँ, वेनेजुएला में स्थित। ठीक है, राइट आंसर है लानोस का आ जाता है। उसी प्रकार आप लोग बताइएगा दक्षिण अमेरिका में शीत शीतोष्ण घास के स्थल को। दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के। हाँ, दक्षिण अमेरिका ना, दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ले लीजिए, बोलिए। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में स्थित है। चलिए आप लोग बताइएगा, बताइएगा स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुआ है।
स्थानांतरण कृषि सबसे पहले बोलिए पास है कृषि हाँ सबसे पहले किस देश में हाँ थाईलैंड ठीक है थाईलैंड में आप बताइएगा वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं फेमस नाम है वियतनाम एवं लाओस में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को पास है बोलिए ना रे रे के नाम से जाना जाता है ठीक है बताएगा मलेशिया में क्रिंट घाटी किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है मलेशिया में क्विंटा घाटी यह टीन उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है ठीक है आप लोग बताइएगा विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पाद देश विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पाद देश पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पाद देश हाँ विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पाद देश बोलिए पास है ना चीन है चीन है ठीक है चीन में है सबसे ज्यादा प्राकृतिक सूर्य बनाने वाला दूसरा देश चीन 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 पहले का चीन ब्रिटेन पर लेकिन उत्तर कोरिया बैठी है चलिए आप लोग बताइए ग्रुप ए बी से क्वेश्चन होगा थोरियम का सबसे अधिक भंडारण किस देश में पाया जाता है यूरेनियम है थोरियम का सबसे अधिक भंडारण कहाँ पाया जाता है किस देश में ठीक है राइट आंसर है भारत में सबसे ज्यादा थोरियम का आप लोग बताइए खनिज तेल का प्रथम कुआ 1859 में किस देश में खोदा गया था 1859 में सबसे पहले किस देश में हाँ विश्व में पास है बोलिए विश्व क्या जी अमेरिका ठीक है राइट आंसर है अमेरिका में सबसे पहले 1859 में खोदा गया था प्रथम कुआ चलिए आप लोग बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पाद देश विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पाद देश बोलिए कजाकिस्तान ही है कजाकिस्तान बताइएगा किस देश को सबसे इसके पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था निप्पन के नाम से किस देश को जाना जाता है निप्पन चीन वियतनाम श्रीलंका जापान वियतनाम श्रीलंका जापान निप्पन के नाम से किस देश को जाना जाता है निप्पन के नाम पास है बोलिए ठीक है जापान को जाना जाता है निप्पन के नाम से आप लोग बताइएगा जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम जिम्बाब्वे का ठीक बढ़िया से बोलना दिशा लगा के ठीक है दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है कहा हम दूसरा देख उत्तर पश्चिम मालागासी का प्राचीन नाम मालागासी किस देश का प्राचीन नाम है यह सिलोन श्याम मेडागास्कर सेगोन मालागासी मालागासी सेगोन दे दिए एथी सेगोन ए एता श्रीलंका ए बोला श्रीलंका तो सिलोन बा मालासी का प्राचीन नाम सिलोन श्याम मेडागास्कर सेगोन सेगोन ले सेगोन का दे रहे हैं फिर से ऑप्शन दीजिए इधर आइए सिलोन श्याम मेडागास्कर सेगोन ठीक है श्याम होगा यह मेडागास्कर का नाम है मालागासी का प्राचीन नाम है मेडागास्कर बताइए किस देश को एंटलीज की मोती के उपनाम से जाना जाता है एंटलीज की ना ऑप्शन नहीं है किस देश को एंटलीज की मोती के उपनाम से जाना जाता है पास है बोलिए क्यूबा क्यूबा को जाना जाता है एंटलीज की मोती क्यूबा कहा जाता है बताएगा 8 डिग्री चैनल किसको किसको पृथक करता है 8 डिग्री चैनल ठीक है मालदीव 8 डिग्री चैनल
किसके किसके चैनल पृथक करता है? ऑप्शन डी लिख दी ना ना, 8 डिग्री चैनल है। ऑप्शन क्या है? 8 डिग्री चैनल। ये है लक्षद्वीप को मालदीव से, लक्षद्वीप और मालदीव को। माधव का चेरा पूंजी स्थित है किस पहाड़ी में स्थित है? चेरा पूंजी। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी है? हाँ, फेमस वहाँ के पहाड़ी है। चेरापूंजी स्थित है किस पहाड़ी में? मेघालय की प्रमुख वहाँ बेहतरीन पहाड़ी है, बताइए। चेरापूंजी स्थित कौन सी पहाड़ी है, बोलिए। चेरापूंजी। हाँ, हाँ तो दोनों ऑप्शन है, बोलिए। चेरापूंजी स्थित है किस पहाड़ी में स्थित है? ना, खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है, चेरापूंजी। चलिए आप लोग बताएगा, ग्रुप ए से क्वेश्चन आएगा। कालिंदी नदी का दूसरा नाम, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? भारत की नदी है कालिंदी, के दूसरा नाम क्या है? पास है कालिंदी। यमुना की नाम है कालिंदी का दूसरा नाम है यमुना, बताइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लीजिएगा आप लोग। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है, बोलिए। पास न तो पास कर दो, पास है, बोलिए पास। नदी का नाम बताना है, मैं क्या ऑप्शन देखूँ? तीस्ता। तीस्ता नदी का विवाद है भारत और बांग्लादेश।